दोस्तों, क्या आप जानते हैं रोजे के दौरान डायबिटीज के रोगियों को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी तबीयत ना बिगड़े? आइए जानते हैं कौन सी हैं ये जरूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस आयुर्वेद इंडिया में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, रोजे के दौरान आपके आहार में परिवर्तन होता है। लंबे समय तक भूखा रहने से हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज ना हो, वो अगर भूखा रहे तो उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर संचित ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित रहता है, किंतु डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के साथ ये संभव नहीं हो पाता। इस कारण ब्लड शुगर सामान्य से कम होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के कई लक्षण हैं, जैसे कि हाथ पैर कांपना, तेज भूख लगना, पसीना आना, घबराहट महसूस होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना। अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपनी जांच करें ग्लूकोमीटर से। इसके अलावा आपको अगर इलाज करना है तो आप 3 चम्मच शहद या फिर चीनी, आधा कप जूस या फिर आधा कप कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करें। अगर रोगी बेहोश है तो उसे करवट लिटा दें और नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं। मुंह से जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल ना करके फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को कीटोन कहते हैं। कीटोन लेवल रक्त के पीएच लेवल को घटा देता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये जटिलता ब्लड शुगर अधिक बढ़ जाने से हो सकती है। अगर रोगी इंसुलिन डॉक्टर से सलाह लिए बगैर घटा दे या छोड़ दे तो DKA का खतरा बढ़ जाता है। DKA यानी कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि रमजान में तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, इसीलिए ये समस्या और बढ़ जाती है। DKA में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होना, थकावट महसूस होना, बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना और चेतना में कमी, इसके लक्षण हो सकते हैं। रमजान में डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है तो नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन ज्यादा करें। ऐसी सब्जी और फल जिसमें पानी ज्यादा हो उसका सेवन करें, जैसे कि तरबूज, खीरा, खरबूज। चाय कॉफी का सेवन कम कर दें। खजूर, दलिया, खिचड़ी और बिरयानी जरूर लें, लेकिन रेड मीट कम कर लें। इफ्तार के वक्त पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। हरी सब्जियां खाएं, मसालेदार तला भुना भोजन खाने से परहेज करें। दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जिसको अपना कर आप रमजान के महीने में भी अपने स्वास्थ्य से छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके द्वारा आप रह सकते हैं स्वस्थ। इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।